1857 में लोगों को सस्ते दामों में दिया गया आटा और सब्जियां विधायक देवनानी ने किया वितरण। 100 रुपए में 5 किलो आटा और 20 रुपए में दिए 1 किलो आलू। कोरोना वायरस को देखते हुए राजस्थान लॉकडाउन है, ऐसे में लोगों को खाने पीने में कोई कमी न आए, इसको देखते हुए जनप्रतिनिधि भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आज विधायक वासुदेव देवनानी द्वारा वार्ड 49 में लोगों को सस्ते दामों में आटा और आलू दिए गए। देवनानी ने बताया कि जिस प्रकार आटे का कट्टा 160 का आता है उसे 100 रुपये में दिया गया, साथ ही आलू जो कि 40 रुपये किलो है उसे 20 रुपये में दिया गया। इसके अलावा सत्यम में जो गरीब लोगों में भोजन वितरण करना है उसको लेकर भी देवनानी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि करीब 3,500 पैकेट आज बांटे जाएंगे। जी सर, आज के कोरोना के इस महामारी के दौरान किए गए लॉकडाउन के अंतर्गत जनता चूँकि घरों पर है, इसलिए जनता को सही मूल्य पर सामग्री मिले, ताकि आलू है, आटा है, उसको पर्याप्त मिले, तो यहाँ वार्ड 49 में यहाँ के पार्षद महेंद्र जाधव ने आज इसकी व्यवस्था की है, जिसमें जनता को हम जो 160 रुपए का आटे का कट्टा है वो केवल 100 रुपए में और आलू जो 30-35 रुपए किलो मिल रहा है वो 20 रुपए में हम जनता को दे रहे हैं। सबको डिस्टेंस पे 1-1 मीटर गोले बना करके हमने खड़ा किया है, ताकि जो कानून है सोशल डिस्टेंस का उसका भी पालन करें और जनता को सस्ते मूल्य पर सामग्री उपलब्ध करा के उनको 2 समय का भोजन सही समय पर मिल सके, इसके लिए हम सब जनप्रतिनिधि प्रयत्न कर रहे हैं। आज मेरे इस अजमेर उत्तर में वार्ड 49 की व्यवस्था हुई है, हम सोच रहे हैं ऐसा हम कई जगह कर रहे हैं। इसी प्रकार हमने विभिन्न वार्डों के जो ऐसे गरीब लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए आज से हमने सत्यम में जनता रसोई की व्यवस्था की है, जिसमें आज लगभग 3,500 पैकेट बना करके हम पार्षदों के माध्यम से विभिन्न वार्डों में हम भेज रहे हैं, ताकि ऐसे लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जिनकी पूरी तरह से आय नहीं है, ऐसों को ये निःशुल्क हम भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें भामाशाह भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और उसमें अक्षय पात्र से हम रोटियां मंगवा रहे हैं और सब्जी वहां तैयार करके और पैकेट्स में बंद करके दे रहे हैं, ताकि गीली सब्जी के कारण संक्रमण ना हो और आपस में लोगों का मिलना नहीं हो, इसकी सारी व्यवस्था हम लोगों ने की है, ताकि अजमेर के कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, कोरा न हारेगा और भारत जीतेगा, इसी महामंत्र को लेकर के हम सेवा के काम हमारे सारे जनप्रतिनिधि मिलकर के कर रहे हैं।